सबसे पहले आते हैं, सबके बाद जाते हैं। थकते हैं पर हार नहीं मानते। We have a dangerous guest coming now. को मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा था। He's alone. Move now and make it quick. Bye. Don't worry, sir. We will finish this job in 10 minutes. Very careful. The team which went last time and told they will finish the job in 5 minutes. Welcome back, Kabir. You're a hero. I think ये बहुत मुख्य जो मैं बाहर रखे कर सकता हूँ। वो अंदर रहकर इम्पॉसिबल है सर। इस मिशन पर कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही, मैं अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक समझूंगा। इस बार यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड मूवी वॉर 2 को लेकर। इस मूवी को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। खुद मेकर्स का कहना है कि इस पर यूनिवर्स की अब तक की सबसे हाईली एक्शन मूवी होने वाली है। मूवी में बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। मूवी में लीड रोल में देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन और इनके साथ साथ साउथ के एक और बड़े स्टार जूनियर NTR देखने को मिलने वाले हैं। जब से ये अपडेट सामने आई है कि जूनियर NTR वॉर 2 में देखने को मिलेंगे, तब से ही लोग इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। क्योंकि खबरों की माने तो वॉर 2 में जूनियर NTR का रोल एक विलन का रोल रहने वाला है। और जब ऋतिक रोशन और जूनियर NTR आमने सामने देखने को मिलेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि मूवी में कितना हाईली एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुनने को ये भी मिला है कि वॉर 2 में हमें स्पाई यूनिवर्स की बाकी दो मूवी पठान और टाइगर का भी कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 में ऋतिक रोशन की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी, जिसके बाद ये तो क्लियर हो गया था कि आगे हमें इन तीनों ही मूवी की स्टोरी कुछ कनेक्टेड देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि वॉर 2 में क्या वाकई में जूनियर NTR विलन के रोल में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर मेकर्स ने उनके लिए क्या कुछ बड़ा सोच कर रखा है। वही बात करें मूवी की हीरोइन की, तो सुनने को मिल रहा है कि मूवी में हीरोइन के रोल में कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है। बात करें मूवी के डायरेक्टर की, तो मूवी में बॉलीवुड के जाने माने डॉक्टरों में से एक अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में इस मूवी को बनाया जा रहा है। इससे पहले भी अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र जैसी सुपर डुपर हिट मूवी दे चुके हैं और अयान मुखर्जी काफी बड़े डायरेक्टर हैं, इसीलिए वॉर 2 मूवी में एक्शन का लेवल हाई देखने को मिलेगा। तो वही मेकर्स की तरफ से मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। सुनने को मिल रहा है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और आगे भी मूवी की शूटिंग को और तेजी से शूट किया जाएगा और 2024 के एंड तक मूवी की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये मूवी हमें 2025 जनवरी के महीने में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सब वॉर 2 मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।